फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा का चुनाव कितने चरण में कराने की घोषणा की है? ए 2 चरण, बी 3 चरण, सी 4 चरण या डी 5 चरण। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कृपया ध्यान दें, 30 सितंबर को प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद परिणाम हेतु सूचना जारी की जाएगी। नवगछिया गोपालपुर के प्रधान लिपिक ने प्रखंड प्रमुख पति पर गाली गलौज, धमकी और सीओ पर साजिश का लगाया आरोप। गोपालपुर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक प्रेम चौधरी ने प्रमुख प्रतिनिधि मुकेश सिंह पर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल पर साजिश के तहत टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए नौगछिया के एसडीओ अखिलेश कुमार को आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है कि मैं अपने कार्यालय में सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहा था, उसी समय प्रमुख ने बुलाकर धमकी दिया और साथ ही गाली गलौज किया, जिसको लेकर मैंने आवेदन सीओ को दिया, जिस पर सीओ ने आवेदन गोपालपुर थाना ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें खुद सीओ ही साजिश के तहत हमें धमकी और पिटवाना चाह रहे हैं, जबकि सारी घटनाक्रम सीओ के कार्यालय में ही हुआ, फिर भी सीओ कुछ भी कहने से मुकर रहे हैं। वहीं अंचलाधिकारी ने प्रमुख को यह भी कहा कि जब हम कार्यालय में नहीं रहेंगे तो उसको भरपूर पिटाई कर दीजिएगा, इसलिए मुझे सभी लोग मिलकर तंग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर विभागीय कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष को निर्देश दिया जाए। आवेदन के गवाह कार्यालय परिचारी कर्मी सत्यनारायण ठाकुर ने बताया कि हमें तलीमा के नाम पर प्रधान लिपिक प्रेम चौधरी ने आवेदन पर दस्तखत करवा लिया है, उस समय मैं चश्मा नहीं पहना हुआ था जिस कारण मुझे दिखाई नहीं दिया। वहीं पूछे जाने पर प्रमुख प्रतिनिधि मुकेश सिंह ने बताया कि प्रधान लिपिक प्रेम चौधरी पर कई लोगों ने पैसा लेने का आरोप लगाया था, जिसके बारे में मैंने पूछताछ की, उसी पर प्रेम चौधरी बौखला गए, अपना पाक साफ दिखाने लगे, अपाक होकर अनाप शनाप बोलने लगे। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व में भी पैसा लेन देन के मामले में इन पर घुसखोरी का आरोप लगा था, जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं सब निराधार है, मैंने सिर्फ पूछताछ की है। सर मुकेश कुमार सिंह आए, कहे कि बाप बुला रहा है तो नहीं आना हो रहा है, कहे कि मारते मारते हम तुमको यहाँ बर्बाद कर देंगे। यहाँ क्या है मुकेश कुमार सिंह के? मुकेश कुमार सिंह पिता शनिचर सिंह पचगछिया का कोई है सर? क्या कुछ नहीं पता चला तो क्या क्या आपको क्यों कहा कि तुम्हारा बाप? किसी आवेदन के पीछे आए थे, कोई आवेदन कोई दिया था नापी के लिए, उनके कहने के अनुसार वह आवेदन अभी डाक पीरियड में था, संबंधित सहायक जो है कैलाश बाबू उनको बता चुके थे कि ये रजिस्टर में हम रजिस्टर कर चुके हैं और संबंधित को हम देंगे, आज नहीं दे पाएंगे, हम आज जा रहे हैं, दूसरे दिन देंगे। उसके बावजूद हमको आकर के कि बाप बुला रहा है तो क्यों नहीं आए, मारेंगे पीटेंगे, पूरा गाली गलौज करने लगे। विश्वस्त सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ बाद में सर कि सीओ साहब भी इसमें की सहभागिता है, उन्होंने बोले थे कि हम जब ऑफिस में नहीं रहेंगे तब बड़ा बाबू को पीटिएगा, ये हमको बहुत विश्वस्त सूत्र पता चला है, हमको 21 तारीख को ही पता चला, उसके पहले हम बहुत विश्वास करते थे। तुरंत सीओ साहब थाना प्रभारी को फॉरवर्ड करते थे मेरा आवेदन को दिखलाने के लिए और थाना प्रभारी को मना कर देते थे कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। मैं ईमानदार आदमी हूँ सर, मैं ईमानदार कर्मी हूँ और यहाँ भ्रष्ट लोगों का भरमार है, भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं वो गुटबंद हुए हुए हैं मेरे खिलाफ। तो आप इसके लिए क्या सरकार को पदाधिकारी को जानकारी दी? मैं सबको तो सुधार नहीं सकता हूँ, मैं तो ग्रसित होकर मैं लिखा हूँ कि मुझे सेवानिवृत्ति कर दिया जाए तुरंत। तो सीओ पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो वो किस तरह से आप कह रहे हैं कि सीओ भी आप पे लगे हुए हैं? हाँ, हमको विश्वास सूत्रों से पक्का ज्ञात हुआ है, जिसके सामने बोला गया है वो आदमी सुना है, एकदम हो बहु है, तो समय आने पर हम उसको प्रदर्शित कर देंगे। सत्यनारायण जो कि आप गवाही बनाए हैं वो जो है मुकर गया है कि हम हमारे पास जो है कि चश्मा नहीं था, हमको दिखता नहीं था। अच्छा। हमको तामिला कह के जो है हाँ। कि हम पे दस्तखत करा लिया है। वैसे तो लक्ष्मण भी था, तो लक्ष्मण भी साइन करने से इनकार कर गया कि हम नहीं साइन करेंगे, वो अपनी मर्जी से साइन किया था, बाद में यदि बदल गया तो इसमें हम किसी के व्यक्ति के बारे में हम नहीं बता सकते। लक्ष्मण आप पे गंभीर
कुछ नहीं जानते हैं। गवाही में जो है आपका दस्तखत हो गया, इसके संबंध में कुछ नहीं जानते। तो गवाही में आप कैसे दस्तखत आपका कौन किया है? हमारे पास में नोटिस था, नोटिस कह करके तीन चार बार हमको कहा गया, हम बिना चश्मा के थे, आप बस हमारे पास में दिया, बस धोखे से हम कर दी। तो क्या इस पे आपका जो गवाह में नाम दिया है, क्या आप इस पे कुछ करने जा रहे हैं, अंचलाधिकारी को लिखित में कुछ देने के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम क्यों देंगे, मतलब कि कहीं किसी नहीं, आपका गवाह में नाम दिया है, देने का है उनका, वो दे अलग बात है, लेकिन हम क्यों देंगे? तो आपके समय में क्या घटना घटित हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या था स्थिति उस समय का? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपका परिचय? मेरा परिचय कुछ नहीं, नाम सत्यनारायण ठाकुर, हमारा नाम। आप है यहाँ पे क्या, किस पोस्ट पे हैं अंचल में? हम कार्यालय परिचारी। प्रधान लिपिक ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, जान मारने की कोशिश किया है आपने और गाली गलौज दिया है, क्या मामला है? ऐसा तो कहीं कोई बात नहीं है। उस दिन क्या घटना हुई थी जो आप पे इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया? वो जो है पब्लिक को परेशान करता है, पब्लिक का काम नहीं करता है, हर पब्लिक से पैसा खोजता है। एक मामला है अभिया का, वो लगभग साल भर से एनआर कटवा के परेशान है, वो जो है उसका सब फाइल उसी के पास है, सीओ साहब मांग रहे थे, उसको नहीं दे रहा, उसको जो है दौड़ा रहा है कि उनको 5,000 रुपया दो। वही मामला मेरे पास आया तो हम बुला के समझाए कि भाई खाली पैसे तुमको चाहिए, पब्लिक का काम चाहिए, और ऐसा कोई बात नहीं है। वो आप पे, आपको ये विक्रमशिला सेतु पथ पर ट्रांसपोर्टर से 16,800 रुपए की लूट। परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर जगतपुर पेट्रोल पंप के पास देर रात एक ही बाइक पर सवार चार हथियारबंद अपराधी ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान अपराधी ने रंगरा निवासी ट्रांसपोर्टर राकेश कुमार झा से 16,800 रुपए सहित अन्य सामानों की लूट की है। घटना के दौरान अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया है। घटना के संदर्भ में ट्रांसपोर्टर राकेश कुमार झा ने बताया कि वह ग्लैमर मोटरसाइकिल से नवगछिया से भागलपुर की ओर जा रहा था, इसी दौरान पीछे से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार चार हथियारबंद अपराधी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और सामने गाड़ी खड़ी कर मुझे रोक लिया। मेरी गाड़ी रुकते ही सभी अपराधी मुझे दोनों तरफ से घेर लिया और हथियार सटाकर मुझे बंधक बना लिया। इस दौरान अपराधियों ने मेरे पास से 16,800 रुपए छीन ली है। वहीं पीड़ित ट्रांसपोर्टर ने घटना की जानकारी परबत्ता पुलिस को दी। परबत्ता थानाध्यक्ष पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। लूट की घटना की सूचना मिलने पर नौगछिया SDPO दिलीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगछिया, 9534338689, 7856914231, 6206224713। नवगछिया में मास्क चेकिंग अभियान में 61 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्रम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 61 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3,050 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 4 वाहन से 3,500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। पिछले 3 दिनों से हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण नौगछिया सहित आसपास के इलाके में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण जहां जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, बारिश का पानी लोगों के घरों में भी प्रवेश कर गया है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नौगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में बारिश के पानी का जल जमा हो गया है। रंगरा प्रखंड के साधोपुर गांव में बारिश के कारण बारिश का पानी दर्जनों लोगों के घरों में प्रवेश कर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के बाद बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी उन लोगों के घरों में प्रवेश कर गया है। कदुआ में बाढ़ की तरह भयावह हो गई है बारिश का पानी। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कदुआ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डोलवज्जा व कदुआ के दर्जनों घरों में बारिश के पानी 2 फीट तक घुस गए हैं। वहीं ढोलबजा थाना गेट के समीप बाजार जाने वाली सड़क हुआ
कदवा ओपी थाना क्षेत्र के कोसी बांध समीप सड़कों पर बारिश की पानी चढ़ जाने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वर्षा व बाढ़ एवं कटाव से इस्माइलपुर से बिनटोली के बीच विस्थापित परिवार हलकान। पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर मूसलाधार वर्षा होने के कारण इस्माइलपुर बिनटोली के बीच स्थित तटबंध पर रह रहे इस्माइलपुर व गोपालपुर प्रखंड के दर्जनों गांव के गंगा के कटाव से विस्थापित होकर तटबंध पर पिछले एक दशक से प्लास्टिक सीट व कपड़े के तंबू नुमा घर बनाकर रह रहे विस्थापित परिवारों को काफी परेशानियों में डाल दिया है। लगातार वर्षा होने के कारण विस्थापित परिवारों के यहाँ चूल्हे पिछले कई दिनों से नहीं जल रहे हैं, जिस कारण इन परिवारों को सत्तू व चूड़ा नमक खाकर दिन काटना पड़ रहा है। सबसे दयनीय हालत दुदमुहे बच्चे बुजुर्ग व बीमार लोगों की हो रही है। गंगा नदी पे बाढ़ का पानी इस्माइलपुर व गोपालपुर प्रखंड के विभिन्न गाँव में फैल जाने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने अपने माल मवेशियों के साथ तटबंध पर अस्थायी रूप से प्लास्टिक का सीट का घर बनाकर रह रहे हैं। वहीं गोपालपुर के अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली सुविधा मुहैया करा दिया गया है। सिंहकुंड में भीषण कोसी कटाव, 8 घर कोसी में विलीन। कोसी नदी के जलस्तर में कमी होने के साथ ही तटीय इलाकों में कटाव का तांडव जारी हो गया है। सिंहकुंड में कोसी नदी के भीषण कटाव होने से 8 लोगों का घर ध्वस्त होकर कोसी नदी में समा गया। लोग अपने अपने घरों से सामान नहीं निकाल सके। कटाव की सूचना मिलने पर खरीक अंचलाधिकारी ने कटाव के मुहाने पर बसे लोगों को अविलंब घर खाली करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में खरीक अंचलाधिकारी ने बाढ़ अभियंत्रण और आपदा विभाग को सूचना दी है। बताते चलें कि कोसी नदी की जलधारा में लगातार हो रहे बदलाव से भवनपुरा पंचायत के मैरचा के समीप भीषण कटाव भी जारी है। नवगछिया, गोपालपुर पुलिस द्वारा चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाने की पुलिस द्वारा शनिवार की शाम को थाने के निकट सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मौके पर दर्जनों वाहन के कागजात की जांच की गई। नवगछिया के सिंधिया मकनपुर में अलग अलग अवैध शराब के धंधेबाज के यहां छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर गोपालपुर पुलिस ने छापेमारी कर सिंधिया मकनपुर के दो शराब कारोबारी के घर बीती रात छापेमारी कर विभिन्न प्रकार के 52 बोतल शराब बरामद किया है। वहीं थानाध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। सिंधिया मकनपुर के दो शराब धंधेबाज जो मौके से ही फरार हो गए थे, जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आच, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारे सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया जानलेवा हमला मामले में एक गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी लव कुमार मंडल को नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने बताया कि लव कुमार मंडल जानलेवा हमले के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त है। नवगछिया आर्म्स एक्ट के आरोपी गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने छापेमारी कर आर्म्स एक्ट के मामले में फरार आरोपी थाना क्षेत्र के छापा निवासी पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रंगरा पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आर्म्स एक्ट एवं शराब बरामदगी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने देर रात छापेमारी कर आर्म्स एक्ट एवं शराब के मामले में फरार चल रहे आरोपी थाना क्षेत्र के चैती दुर्गा मंदिर स्थान रोड निवासी बम कुमार उर्फ आशुतोष कुमार पिता विनोद शाह को गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया पुलिस ने देर रात छापेमारी कर उसे मखा तकिया चौक के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि वह अपने घर में आया हुआ है। सूचना के आलोक में पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस टीम में शामिल अवर निरीक्षक राजकुमार सिंह ने उसे मखा तकिया चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया।
अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549688888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज, पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगढ़िया 9534338689 7856912231 6206224713। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9793-80 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9303-67177।